स्वभाव। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। अलग अलग आदमियों की अलग अलग राय थी। कुछ का विचार था कि बदला जा सकता है, कुछ का कहना था कि जिस प्रकार कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदल सकता। एक सज्जन का कहना था, यदि सही ढंग से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। राजा को व्यंग सूझा। उन्होंने 10 व्यक्तियों को चुनकर एक एक पिल्ला दिया, साथ ही हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं दी कि तुम सभी को 6 माह में कुत्ते की दुम को सीधा करने का प्रयत्न करना है। उनमें 10वां तेनालीराम था। शेष 9 ने 6 महीनों में पिल्ले की दुम सीधी करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। एक ने पिल्ले की दुम के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने कुत्ते की दुम को एक बोतल की सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाना शुरू कर दिया। चौथे ने कोई दवा दी, उसका विचार था कि दवा से दुम सीधी हो जाएगी। पांचवे ने एक ब्राह्मण को घर छोड़ा जो प्रतिदिन पूंछ सीधी हो जाने के लिए पूजा पाठ करता था। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह के उठपटंग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवा दिया। आठवां व्यक्ति कुत्ते के सामने बिठाकर 6 माह तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि तुम सीधी रखो भाई, तुम सीधी रखो। नौवां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयां खिलाता रहा कि इससे वो मान जाए और अपनी दुम सीधी कर ले। तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितना खाकर वो जीवित रह सके। भूखा रहकर बेचारा पिल्ला इतना कमजोर हो गया कि उसके शरीर के सारे अंग निर्जीव हो गए। उसकी पूंछ भी बेजान सी होकर लटक गई जो देखने में सीधी जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने स्वस्थ और हट्टे कट्टे पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ पर से वजन हटाया गया तो वो एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की दुम जब नली से निकाली तो वो भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्ले की दुम भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। मालिश, दवाओं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का कोई लाभ न हुआ, न ही ऑपरेशन, उपदेश और मिठाइयों से बात बनी। तेनालीराम की बारी आई तो तेनालीराम ने अपना अधमरा पिल्ला सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे, पूंछ भी निर्जीव सी लटक गई थी। तेनालीराम बोला, महाराज मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। राजा ने पिल्ले की दशा देखी तो वो माथे पर बल डालकर बोले, दुष्ट कहीं के बेचारे निरही पशु पर तुम्हें दया नहीं आई, तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला, इसमें तो पूंछ खिलाने तक की शक्ति नहीं है। महाराज यदि आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने पर ही हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद कर उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा अवश्य बना सकते हैं।